अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ। और ये यहाँ पे मेरी डे रूटीन शुरू होती है। दोपहर से शुरू की थी मैंने ये बनाना और यहाँ पर मैं लंच कर रही थी। ये थी ऑमलेट और अनियन एग ऑमलेट और कर्ड का रायता बना रखा था मैंने। और पोटैटो आलू और दही मिक्स करके रायता बना रखा था। और फिर खाना वगैरह खा कर अच्छे से खा पी कर तैयार होकर फिर मैं शॉप पर आ गई थी, क्योंकि मैं दिन में नहीं आई थी आज और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी कुछ, जिसकी वजह से ना तो मैं रात को सो पाई और ना ही अच्छे से अपना काम कंटिन्यू कर पाई। और आप लोगों को लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ सुनकर, मेरी आवाज़ भी बहुत वीक है। और ये ख़वातीन का तो काम होता है चाहे वो किस भी हालत में रहे, लेकिन फिर भी उन्हें काम करना ही होता है और काम करने की तो उन्हें आदत सी ही हो जाती है, जैसे कि काम ही उनके लिए इतना ज़रूरी हो जाता है। और मेरी तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो फिर भी मैंने दुकान पर आना ही पड़ता है, क्योंकि दुकान की ऐसी आदत हो गई है कि फ्री बिल्कुल भी रहा ही नहीं जाता। और अगर एक भी दिन मैं फ्री रह लूँ बिना काम के तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा, और दिन कटता ही नहीं बिल्कुल भी। मैं इतनी बोर हो जाती हूँ बिना काम के, इसलिए चाहे भी नहीं तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, मैंने दुकान पर ज़रूर आना है और अपना काम कंटिन्यू करना है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह रमज़ान और मुबारक के महीने से लेकर और अब तक मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और ना ही मैंने एक भी दिन की छुट्टी मारी है। डेली शॉप पर आती हूँ क्योंकि शॉप का काम ही ऐसा होता है स्टिचिंग का। और फिर यहाँ पर सफाई वगैरह करने के बाद ये बनाई थी मैंने चौक, जो मेरे पास छोटी छोटी टूटी हुई चौक पड़ी थी उनको मैंने मतलब पानी में घोल के और ये पेस्ट बना के इसमें डब्बे में डाल दिया था। ये देखिए चौक बन गई, अभी थोड़ी गीली है हल्की सी, और इनको ऐसे मतलब रब करूँगी मैं तो उनकी अच्छे से शेप हो जाएगी। और वैसे अब सूख चुकी हैं ये, लेकिन सुबह थी ना, जो सुबह लग रही थी गीली गीली सी, क्योंकि मैंने इनको कल ही किया था। और एक दिन में तो जाहिर है कुछ भी काम नहीं आसानी से होता, टाइम तो लगता ही है हर काम में। और इतनी अच्छी से चौक बन गई थी, पता नहीं मेरे दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि जो मतलब मशीन से जैसे कि हम काम करते हैं चौक टूट कर, चौक नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, चूरा हो जाता है उसका, और फिर मैं उसको फेंकती नहीं हूँ और इकट्ठी कर लेती हूँ। और फिर इकट्ठी करने के बाद मैं उसको पानी में घोल कर अच्छे से रख देती हूँ, सब कलर्स मिक्स कर लेती हूँ। पिंक और फ्रोजी कलर था इसमें, और पीला कलर था और गुलाबी कलर था, तीन कलर थे। और तीनों कलर को मैंने मतलब घोल कर पानी में लेप सा बन गया था इनका, फिर मैंने एक डब्बी में रख दिया और अच्छी खासी ये हो गई। और इतना अच्छा निशान लग रहा था इनसे, मतलब सुरमाई कलर हो गया था इनका, बहुत अच्छा निशान लग रहा था। और वैसे बड़ी बड़ी भी हो गई थी ना, तो दिक्कत आ रही थी हाथ में पकड़ने से, क्योंकि छोटी छोटी चौक रहती है तो बहुत दिक्कत होती है हाथ में पकड़ने से। इसलिए मैंने इनको थोड़ी, मैंने सोचा कि ये थोड़ी बड़ी भी हो जाएंगी और इनसे काम भी अच्छा होगा। और फिर यहाँ पर कर रही थी मैं कटिंग, यहाँ पर हो रही थी शाम, मतलब 7 बज रहे थे, रात होने वाली थी, और ये सलवार की कटिंग कर रही थी मैं। और कटिंग करते करते मैं इतनी थक गई बहुत ज़्यादा, फिर क्या करती, कटिंग तो करनी थी। और फिर कटिंग की मैंने घर पर ले जाने के लिए सलवार, और दो सलवार थी एक साथ के, मैंने एक ही कटिंग की और एक को मैं ऐसे ही ले गई, लेकिन वो फिर भी घर पे नहीं सिली गई, क्योंकि घर पे अम्मी है ना जो, उनका काम लगा हुआ है, उन्होंने घर में सिलाई लगा रखी है, इसलिए उनसे तो इतना कुछ काम नहीं होता अब सिलाई का, ना ही उनको आदत रही है, उनसे तो सुई में धागा भी नहीं डलता। और मैं सोचती थी कि जो अम्मी थी जिन्होंने मुझे काम सिखाया था, जिन्होंने मेरे काम की शुरुआत की थी, अब वो भी बैठ गई है, अब मतलब वो भी अब सिलना नहीं चाहती, सिलना तो चाहती है पर अब उनसे होता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत वीकनेस है उनकी आइस में। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कुछ ऐसा नुस्खा बताइएगा जो वीक आइस होती है, जो आइस में वीकनेस आ जाती है, जिससे वो ठीक हो जाए। मतलब स्टिचिंग का काम ऐसा ही होता है कि चाहे कितनी भी गौर कर लो फिर भी वीकनेस ज़रूर ही आनी है। और फिर मैं घर चली गई थी, फिर घर जाने के बाद मैं अगले दिन आई तो मैंने देखा इतना सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है सब में, कत्तर कबाड़ वगैरह, बहुत सारा पन्नी वगैरह
गत्ते ऐसी चीज़ें बहुत पड़ी थी। फिर मैं घर से ये है कि प्लास्टिक का कट्टा लेकर आई थी और फिर मैंने सारी सामान इसमें भर दिए सब कतरे। इतना गंदी शॉप लग रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ कबाड़ खाने में। और फिर मैंने सारे उनसे अच्छे से सफाई की और सफाई करने के बाद जो भी कचरा कूड़ा इकट्ठा हुआ मैंने सब सबका सब कट्टे में भर के रखा। और जाहिर है हमारे आसपास साफ़ सफाई हो तो आदमी को सुकून रहता है, खुशी होती है और रहते हुए भी अच्छा लगता है। क्योंकि जहाँ पे मेरी शॉप है और वैसे माहौल वगैरह भी देखना पड़ता है, गांव में तो इतना सफाई पे खैर इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि सबके घर एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन जिधर मेरी शॉप है ना उधर का माहौल बहुत अलग है और उधर मुझे शॉप में अपनी साफ़ सफ़ाई डेली रखनी पड़ती है। डेली साफ़ सफ़ाई, पोछा वगैरह, जाले हटाने पड़ते हैं और पन्नी कतर वगैरह सब एक कट्टे में इकट्ठा कर देती हूँ मैं। और फिर हम लोग चूल्हा जलाते हैं तो मैं इनको घर भेज देती हूँ, भाई आके इनको ले जाता है और वो ये उधर अच्छे से काम आ जाते हैं चूल्हे में। और फिर जब मैं सफाई कर रही थी इसमें से तो खाली रील मिल रहे थे, जैसे कि खाली रील में इकट्ठे कर रही थी ना। मैं सोच रही थी कि यूट्यूब से कुछ अच्छा सा डिज़ाइन देखूँगी कि खाली रील का मतलब क्या करें, जिसका धागा ख़त्म हो जाता है, जो अंदर का गत्ता बचता है खाली रील, उसका क्या करें। फिर कत्तर में से बुकरम निकल रही थी, बुकरम के गले थे ना जो मतलब जैसे कि गले की कटिंग करते हैं हम और जो बीच का पार्ट बचता है तो वो इसमें ही आ गया था। वैसे तो मैं इसमें नहीं आने देती, अलग ही रखती हूँ उसको, लेकिन फिर इसमें आ गया था। और फिर मैं इसको अलग अलग निकाल रही थी और छोटे छोटे चौक मिल रही थी उसमें से। फिर वही जो मैंने अभी आपको बड़ी चौक दिखाई है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, जो ये छोटी छोटी चौक मिली थी ना इनसे ही मिलाकर मैंने वो चौक बनाई है। और ये जो बुकरम के गले हैं ये भी मेरा बहुत काम आ जाते हैं, स्टिचिंग की चीज़ मैं थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं होने देती। और इलास्टिक वगैरह भी छोटी छोटी होती है तो मैं उनको भी काट के कटिंग करके अच्छे से ज्वाइंट करके स्टिच करके लगा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी स्टिचिंग की चीज़ें वेस्ट जाए। और यहाँ पे एक सुई मिल गई थी मुझे, मतलब जो मैं देख रही थी वो तो अच्छे से नहीं दिख रहा था, बस कट्टा वगैरह दिख रहा था जो मैं भर रही थी कबाड़ा। और फिर मैंने बुकरम वगैरह सब काट के एक साइड में रख दी क्योंकि ये मेरे बहुत काम आ जाती है। मैं इनको जॉइंट करके ना लगा ही देती हूँ और बहुत अच्छे से काम आ जाती है। क्योंकि जब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बुकरम नहीं होती और हमको बहुत इमरजेंसी कपड़े बनाने होते हैं और ना ही हमारे पास कोई शॉप खुली हुई होती है, इसलिए फिर मैं इनको रख देती हूँ उठाकर। और ये थे गत्ते जो सूट में से निकलते हैं, पता नहीं मैं तो नहीं गत्ते ही बोलती हूँ शायद, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। वैसे तो है तो ये फॉर्म जैसा लेकिन फॉर्म नहीं है ये। और ये मेरे पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया है कि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूँ क्या बनाऊँ। इसको फेंकने को तो दिल नहीं करता क्योंकि इतना अच्छा लगता है ये देखने में, ऐसा लगता है कि इसकी कुछ अच्छी चीज़ बनेगी। हालांकि इसकी कुछ अच्छी चीज़ बनेगी मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं अभी इनको इकट्ठा कर लेती हूँ, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं इनका कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊँगी और डिज़ाइन बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे अगर आप भी इनका कुछ बनाते हो डिज़ाइन वगैरह तो मुझे बताइएगा कमेंट में प्लीज़। आप लोग अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगे या जिसमें मुझे मतलब मैं अच्छी तरह से नहीं बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है और मैं डर डर कर ब्लॉग्स बनाती हूँ और मेरी स्टार्टिंग है। और प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊँ। और मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, सही रास्ते पर चलाए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए, आपकी मुश्किलें आसान कर दे और हम लोगों के काम में बरकत दे, खैर बरकत दे। और जो जिन लोगों के पास काम नहीं है अल्लाह ताला उनको भी अच्छा और बेहतरीन काम दे जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, अल्लाह ताला हमको गुनाह करने से बचाए, अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर दे, दीन इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा कर दे और हमारी दिल में से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और सिर्फ आखिरत की मोहब्बत डाल दे। वैसे हमें अपनी दुनिया भी बेहतर बनानी चाहिए और आखिरत भी बेहतर, क्योंकि ये दुनिया तो बेहतर इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं दुनिया बेहतर होगी तभी तो हम आखिरत बेहतर बना पाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग अपनी आखिरत भी बेहतर बना पाए।
और अल्लाह ताला हमको सीधे सही रास्ते पर चलाए, हमसे कोई काम ऐसा ना हो जिससे अल्लाह ताला हमसे खफा हो, हमसे नाराज़ हो। अल्लाह ताला से हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहिए, मतलब चाहे आपसे कुछ भी गलती ना हो फिर भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहिए, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फाज में बहुत ज़्यादा ताकत है। और जब हम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरा बंदा देखो मुझसे माफ़ी मांग रहा है, और अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। वैसे जितना हो सके हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए, अल्लाह को खुश करना चाहिए, सीधे और सही रास्ते पर चलना चाहिए, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ़ हो। हमेशा खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। चलिए अब हम ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग्स।